এই গুটিটাকে আমরা সাজাবার চেষ্টা করব তার এরা আমাদেরকে মারার চেষ্টা করবে। एक्चुअली क्या हुआ था कि आज दोपहर को मैं सो गया था। एज यूजुअल मैं दोपहर को सोता नहीं हूँ, नींद भी नहीं लेता हूँ, लेकिन आज क्या हो गया, मैं पूरी तरह से सो गया था। अगर आप दोपहर को सोना चाहते हैं तो ज़रूरी है आप जिस रूम में सोते हो वो थोड़ा सा ठंडा हो, मतलब थोड़ा सा सोने लायक माहौल बने आपके रूम पर। लेकिन मैं जो रूम आप ये देख रहे हैं यही मेरा रूम है। दोपहर को टाइम पर अगर आप यहाँ पर सोने आओगे तो एक बात पक्की है, सोने के बाद एक उबला हुआ अंडा जैसा आप दिखोगे, क्योंकि ये रूम पे अगर दोपहर को कोई रह जाएगा भाई तो सारे पैसे उसी के। अब मैं जाऊंगा बाहर क्योंकि इस रूम पे रहना मुश्किल है, बहुत गर्म हो चुका है रूम, तो मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, अब मैदान की तरफ जाऊंगा और वहाँ का माहौल देखूँगा। पानी बहुत ज़्यादा पी रहा हूँ आजकल, पता नहीं ये अच्छी है या बुरा है, कमेंट सेक्शन आपकी। यहाँ पे आप लोग जितने भी सारे शूज़ देख रहे हैं, इन शूज़ को मैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज़ करता हूँ। ये शूज़ मैं कभी यूज़ कर लेता हूँ, ये शूज़ को भी मैं कभी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन ये जो शूज़ है ये स्पेशली मैं रनिंग के टाइम पे यूज़ करता हूँ। तो ये दोनों अब यहाँ पर रखते हैं और इसको पहन के आप जाएंगे मैदान पे रनिंग के लिए। कभी कभी मुझे लगता है कि इंट्रो देना एक वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आजकल लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने अपना इंट्रो देना भूल गया। ऐसे कैसे चलेगा, तो इंट्रो इस बार आप लोग दोगे, ठीक है? आप लोग दुनिया को बताओ मैं कौन हूँ, ये आप जिम्मेदारी ले लो। ऐसे अगले वीडियो में मैं इंट्रो दे दूँगा। और मेरा आदत ऐसा बन रहा है धीरे धीरे, मैं तो हर रोज़ सुबह 4 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, और वो 4 किलोमीटर रनिंग अगर नहीं होता है एक दिन तो मैं कोशिश करता हूँ वो शाम को करने के लिए, क्यों एडिक्शन ऐसा चीज़ है कि आप शुरू करते हो और उसको स्टॉप कर देते हो तो कुछ बैड फीलिंग्स होता है, और आजकल वही हो रहा है मेरे साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं सुबह भी नहीं गया था दौड़ने के लिए, तो आज शाम पे आ गया दौड़ने के लिए। और यहाँ पर जहाँ पर मैं दौड़ने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे एक फ़ुटबॉल एकेडमी हो रहा है, मैंने सुना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को फुटबॉल सिखाया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट हो गया मेरे लिए। कंटेंट मिल गया भाई, कंटेंट मिल गया, और क्या चाहिए, कंटेंट इज़ द किंग। मेरा तीसरा वाला वीडियो था मेरा, जाके देख लीजिएगा चैनल पर। तो शुरू से मैं जिस एकेडमी के बारे में बात कर रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, तो एक्चुअली बच्चे खेलते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से, और कोच है और कोच इनको सिखाते हैं। और ये हमारे मोहल्ले के जो मैदान है उसका कुछ सीन है, पीछे सनसेट हो रहा है। सुबह जब मैं रनिंग करने जाता हूँ तो रनिंग के टाइम में मैं सनराइज़ देख पाता हूँ, और रनिंग अब जब शाम को करने आया तो पीछे बेहतरीन सा सनसेट देखने को मिल रहा है। और सनसेट और सनराइज़ दोनों आपको सिर्फ प्रीतम डी ब्लॉगर की यूट्यूब चैनल पे ही मिलता है। खुद की तारीफ करना भी कितना बड़ा पॉइंट है।
এটার মুখটা দেখো একবার, দেখো দেখো মুখ দেখাও, তোমারা তোমারা মুখ দেখাও, মুখ দেখাও, মুখ দেখাও, বেশ। ये जो हंसता खिलता हुआ शक्ल आप देख रहे हैं ये बाहा है, और मैंने जो फिल्म बनाया था वो इसी लड़की को लेके बनाया था जो खेलने में बहुत माहिर है। अरे अकन की खेल चीज थी पिट्टू, पिट्टू अभी ये पिट्टू खेल रही है। मैं इसको लेके जो फिल्म बनाया है उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में जाके एक बार देख लो। जाओ जाओ खेल खेल खेल। পিট্টু পিট্টু নিয়ম বল কি রকম ভাবে পিট্টু খেলা, একটু জোরে বল যাতে শোনা যায়। পিট্টু নিয়ম হলো যে মানে দুটো টিম থাকবে, দুই টিমের মধ্যে একটা টিম বল পিট্টুটাকে মারার চেষ্টা করবে, এই বল দিয়ে এটাকে মারবে, এটাকে মারতে এটাকে ফেলতে হবে, ফেলতে হবে। আচ্ছা তারপর তারপরে এটার পরে তারপরে আমরা আমরা যদি এই গুটিগুলো ফেলে ফেলে দিই তবে অন্য টিম আমাদেরকে মারবে, আমাদেরকে যেমন একজনকে একজনকে একজন একজনকে মেরে শেষ করে তবে তারপরে এদের দান উঠবে। তো ये पिट्टू का नियम था। एक ज़माना था जब गांव के बच्चे लोग जब पिट्टू विट्टू खेलता है खेला करते थे, और धीरे धीरे ये कल्चर जो है बंद होते गया। अब तो मोबाइल गेम का ज़माना आ गया और बच्चे घर में बैठ के पबजी वबजी खेलते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सब जो गांव का जो एग्जैक्टली जो खेल है उसको बहुत मज़े से हम लोग खेलते थे। अभी तो बच्चे लोग बड़े हो गए हैं, घर में बैठ के मोबाइल खेलते हैं, लेकिन बड़े मज़ा आता है ना कि अभी भी गांव के तरफ ये ऐसे पिट्टू और बहुत सारे ऐसे गेम हैं तब आजकल भी गांव के तरफ देखने को मिलता है। तो मैं बहुत लकी हूं कि यूट्यूब के ज़रिए पूरे दुनिया को ऐसे गांव का खेल दिखा पा रहा हूं, और इसके लिए आप लोग मेरे मदद कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो ये था वो अकेडमी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। उधर भी कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे सनसेट हो रहे हैं, और यहाँ पे जो सीनियर लोग हैं हमारे मैदान का वो सब खेल रहे हैं। और यहाँ पर आज की इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, आज इस मैदान से इस वीडियो से मैं अलविदा ले रहा हूँ। डेली लाइव व्लॉग अब कितने दिनों तक मैं दे पाऊँगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि झाड़ग्राम में फिर से दोबारा लॉकडाउन शुरू होने वाला। यही मैदान पर मैं पिछले 2 साल से आ रहा हूँ, और सभी लोगों से मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बहुत ही अच्छी दोस्ती है, और यही दोस्ती आने वाले टाइम पे भी बरकरार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो से अलविदा ले मिलूंगा बहुत ही जल्द। बाय। बॉल की खेलूं बोल ना मैं सुन ना छत के ठीक है भले ही मैं तो छत के मैं तो एक भी ना खेलूं बाहर के तो याद कर दीजा মঙ্গল তুই আজকে কি খেয়েছিলি।